पर इंतजाम भी किए, लेकिन परीक्षा शुरू होने के छठे दिन ही इंटर के अंग्रेजी का प्रश्न पत्र जो है वो इंटरनेट पर वायरल हो गया। तो आपको बताते चले कि बीते बुधवार को बलिया से एक खबर आई जहां पे ये खबरों में चलने लगा कि इंटरमीडिएट की यानी कि क्लास 12th की जो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है वो लीक हो गया था, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सूबे के 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, जिसके बाद से लगातार छात्रों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि वो पूरे साल जो अपने बोर्ड की परीक्षा है उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई खबर आती है तो उनका मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है। जहां एक तरफ योगी सरकार लगातार ये दावे कर रही थी कि बोर्ड की परीक्षाओं को पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जाएगा, पूरी सुरक्षा के बीच बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न होगी, वहीं बोर्ड परीक्षाओं के शुरू होने की महज छठे दिन में ही ये खबर आई कि बलिया में अंग्रेजी का पेपर जो है वो लीक हो गया है। वही इस मामले पर DIOS समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इन सभी लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। जब से ही ये खबर सामने आई कि 12वीं की अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया है, तभी से लगातार योगी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुकी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, अब तक इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? के पेपर होने से जो कि 24 जिलों में रद्द कर दिए गए, बलिया में दो पेपर सेट जो है वो इंटरनेट पे वायरल हो गए और तमाम सोशल साइट पे जो अभ्यर्थी थे उनके पास ये पेपर पहुंच गया, जिसको देखते हुए बलिया में जो दो पेपर सेट लीक हुए तो आज जो 24 जिलों में वो पेपर सेट गए थे तो 24 जिलों में ये पेपर रद्द कर दिया गया और आने वाले 13 अप्रैल को इसको दो पालियों में पेपर का आयोजन किया गया है। वही आपको बता दें कि बाकी के 51 जिलों में पेपर हुए और बाकी के 24 जिलों में पेपर निरस्त कर दिए गए। वही अगर बात करें तो अब तक 17 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें बलिया के DIOS जो ब्रजेश मिश्रा है उनके खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें हिरासत में ले लिया गया और साथ ही साथ इस मामले को जब धीरे धीरे पेपर रद्द का आउट का मामला हुआ तो बनारस से ऐसा जो SCF की टीम थी वो गाजीपुर रवाना हुई और जांच पड़ताल में लगी हुई है और जल्दी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। वही उत्तर प्रदेश के ACS अवनीश कुमार अवस्थी ने वहां के DM और SP को तलब किया और कहा कि हमें 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट चाहिए और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर जो है योगी आदित्यनाथ ऑफिस का पोर्टल है जो ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया हैंडल है वहां पे लिखा गया कि दोषियों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जैसा कि पहले कहा गया था चुका और NSA लगाने की बात कही गई थी। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो लोग इसमें संलिप्त है उसमें क्या कार्रवाई की जाती है और साथ ही साथ अगर बात करें बच्चों की तो बच्चे दूर दराज से अपने सेंटर पे पहुंचे मगर वो पेपर शुरू होने के 2 घंटे पहले ही पेपर आउट होने की बात आ गई तो वो मायूस होके अपने घर को लौटे। और वहीं अगर आप देखें तो बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि स्टूडेंट पीरियड का सबसे विभांशु, अगर बोर्ड एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम माना जाता है तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही की वजह क्या रही? जहां एक तरफ योगी सरकार कह रही थी कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो कड़ी सुरक्षा के बीच कराई जाएगी, तो इतनी बड़ी लापरवाही की आखिर वजह क्या रही? जी मुस्कान, योगी सरकार की तरफ से नकल विहीन पेपर कराने के लिए हर एक भरसक प्रयास तो किया गया। वही अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा के अंदर में मंडल वाइज हर एक मंडलों के जो भी 8000 जो प्रदेश में 51 लाख छात्र इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, 8000 सेंटर बनाए गए थे और 8000 सेंटरों की जो CCTV मॉनिटरिंग की जा रही थी वो माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय पे हर एक मंडल का डेस्क बनाया गया था जहां से मॉनिटरिंग की जा रही थी। मगर आपने देखा कि बलिया में दो पेपर जो सेट है वो आउट हो गए, जिसके बाद धीरे धीरे ये पेपर अन्य जिलों में पहुंच गए और ये पेपर जो है दो सेट ये 24 जिलों में हो रहा था तो 24 जिलों के पेपर को निरस्त करके और आगे परीक्षा की तिथि आ गई। वही अगर बात करें तो पेपर लीक का अभी
मामले में कुछ ऐसी सूचना नहीं मिली है और एसआईटी की टीम काम कर रही है, साथ ही साथ जो डीआईएस है आपके बलिया के, उनको उनके साथ भी पूछताछ की जा रही है और पूछताछ में निकल के आने के बाद विज्ञप्ति दी जाएगी जिसमें साफ तौर से हम कह सकेंगे पेपर लीक कहां से हुआ और उस पे कार्रवाई देखने को मिलेगी। विपांशु, अभी आपने बताया कि जो सभी सेंटर्स है वहां पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही थी, तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही फिर कैसे हो गई? जी, पेपर शुरू होने से पहले ही 2 घंटे 2 बजे से पेपर बोला था और 12 बजे पेपर लीक हो गया। 12 बजे तक लगभग सभी अभ्यर्थियों के पास ये जो प्रश्न पत्र थे वो पहुंच चुके थे। तो अभी तक इसकी मामले की में अभी इस तरह के जो एसटीएफ है और तमाम जांच एजेंसियां हैं उनकी तरफ से अभी इस तय तक नहीं पहुंच पाया है कि पेपर लीक आखिर किसके द्वारा किया गया। इसमें 17 लोगों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं साथ ही साथ गाजी आपके बलिया के कुछ स्थानीय पत्रकारों को भी पुलिस प्रशासन ने उठाया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और पत्रकारों ने प्रेस बाइट्स में कहा कि उन्हें डीएम और तमाम आला अधिकारियों की ओर से फोन आ रहे थे क्योंकि उनके संज्ञान में था कि पेपर आउट हो गया है, उन्हें भी मामले में संलिप्त देखा जा रहा है। मतलब जांच के बाद पता चलेगा कि कौन आखिर कितना सच बोल रहा है और कहां से पेपर लीक हुआ। विपांशु, का आखिरी प्रश्न में जाने से पहले आपसे लेना चाहूंगी कि इस मामले पर पत्रकारों को भी ये खबर सामने आ रही है कि गिरफ्तार कर लिया गया, तो आखिर पत्रकारों को क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्हें संविधान में चौथा स्तंभ कहा जाता है। जी, बेशक मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता जी है, लेकिन आप देख सकती है मुस्कान की जो भी पत्रकारों को वहां पे स्थानीय 2 पत्रकारों को सूचना मिल रही है कि उन्हें भी पूछताछ में रखा गया है। इसमें पत्रकारों का द्वारा कहा जा रहा है कि हम पेपर लीक के मामले को सबसे पहले अपने जो अखबार है या जो भी माध्यम पे वो काम कर रहे हैं उन माध्यमों पे हम प्रकाशित करते हैं, खबर को ब्रेक करते हैं, इसी आधार पे हमें उठाया गया है और हमसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं विभांशु ये कहा जा सकता है कि आखिर पत्रकारों को इसलिए उठाया गया है, इसलिए गिरफ्तार किया गया है ताकि वो मीडिया की आवाज को दबा सके, ताकि ये मामला और दर्शकों के सामने ना आए। जी बेशक मुस्कान, ऐसे ही हो सकता है कि और बाकी जांच के बाद पता चलेगा और इस पे मुहर लगेगी कि आखिर किसके द्वारा ये पेपर लीक किया गया। वही अगर बात करें तो तमाम जो आला अधिकारी है, एसीएस है, चाहे बात की जाए एसडीएम ऑफिस, सब इस पे लगा हुआ है और जल्द ही इस पे इस मामले में जो पेपर लीक करने वाले अभियुक्त जो आरोपी है उनका नाम सामने आएगा। धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ के लिए। तो बलिया में बीते बुधवार को ऐसी खबर सामने आई कि बोर्ड की परीक्षाओं से पहले अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। वहीं इस मामले पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं बलिया के डीआईओएस समेत कई पत्रकारों के साथ साथ 17 अन्य लोगों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बताते चले कि बलिया में ऐसी खबर आई कि पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद से बुधवार को जो बोर्ड की परीक्षाएं होनी थी, जो बोर्ड की अंग्रेजी की परीक्षाएं होनी थी, उन्हें कुल सूबे के 24 जिलों में निरस्त कर दिया गया। सोशल मीडिया पर ये जो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र था वो भी लगातार वायरल हो रहा था। वही इस पूरे मामले के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि बोर्ड की परीक्षाओं का एक हमारे समाज में अहम रोल माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि बोर्ड की परीक्षाएं बहुत अहम होती है, तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? अब क्या प्रशासन इस पूरे मामले की तह तक पहुंच पाएगी, ये तो लगातार जांच के बाद ही खुलासा होगा। अगली खबर फरुखाबाद से है, जहां गांवदुली नगला के पूर्व प्रधान सुरेंद्र यादव पर भाजपा मंडल अध्यक्ष और कोल्ड स्टोर मालिक आकाश गुप्ता के सर पर गोली मारने का आरोप सामने आया है। इस दौरान दबंग पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह यादव ने अज्ञात गुंडों के साथ मिलकर भाजपा नेता के कोल्ड स्टोरेज पर धावा बोलते हुए स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव का प्रयास किया, जिससे बहुत भीषण हादसा हो सकता था, जिसके बाद भाजपा नेता के साथी ने थाना अध्यक्ष नवाबगंज समेत कस्बा इंचार्ज पर दबंग पूर्व प्रधान से मिली भगत का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि ये कोल्ड स्टोरेज अचरा रोड पर स्थित कृष्ण
कोल्ड स्टोरेज का ये पूरा मामला है। तो ये खबर हम आपको फरुखाबाद से बता रहे हैं, जहां भाजयुमो के नेता पर फायरिंग की गई। वही इस दौरान नेता की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जिसके बाद से ही लगातार जो भाजपा नेता के साथी हैं वो कस्बा इंचार्ज समेत दबंग पूर्व प्रधान समेत सभी लोगों के मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। आपको बताते चले कि दबंगों ने जो पूर्व प्रधान है उनके साथ ही जो उनके तमाम साथी जो इस दौरान हमला करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज पर धावा बोलते हुए स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव की कोशिश की थी, जिससे भीषण हादसा हो सकता था। वही इस पूरे मामले को रोकने के लिए भाजपा नेता अपने तमाम साथियों के साथ अपने कोल्ड स्टोरेज पहुंचे। वहीं गुस्साए हुए पूर्व प्रधान ने भाजपा के नेता पर हमला कर दिया। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए फरुखाबाद से हमारे संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं। सुंदरम, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला। जी, बताना चाहूंगा कि थाना नवाबगंज क्षेत्र के अचरा रोड स्थित कृष्णा कोल्ड स्टोरेज में, यहाँ पे जो आकाश गुप्ता इनका कोल्ड स्टोरेज है, जहां पर जो पूर्व प्रधान सुरेंद्र यादव पे आरोप लगा कि वो अमोनिया रिसाव करने की वहां पर कोशिश कर रहे थे, जिससे कि उस क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होने की संभावना थी। जब भाजपा नेता व कोल्ड स्टोरेज मालिक के द्वारा उनको रोका गया, तो गुस्साने के बाद वहां पर उन्होंने अन्य साथियों के द्वारा वहां पर उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि भाजपा नेता के ऊपर फायरिंग कर देते हैं, जिसपे भाजपा नेता के साथ साथ उनके दो कर्मचारी भी जो कोल्ड स्टोरेज थे वो भी घायल होते। आनंद फानंद में वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा उन्हें वहां पर जिला अस्पताल लोहिया में भर्ती कराया जाता, वहां से उसे हायर सेंटर को रेफर किया जाता, लेकिन परिजनों द्वारा शहर के एक निजी अस्पताल में ही जो भाजपा अपना दल गठबंधन विधायक हैं सुरभि गंगवार, उनके अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वहां पर उनका इलाज जारी है। सुंदरम, अभी तक पुलिस ने क्या कुछ इस मामले पर कार्रवाई की है? जी, बताना चाहूंगा कि इस मामले पर जो पुलिस की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध नजर आती है। जो थाना पुलिस है उसके ऊपर गंभीर आरोप जो है उसके घायल युवक के पिता के द्वारा भी लगाए जाते हैं, एवं भारतीय जनता पार्टी के जो युवा जिला अध्यक्ष है उनके द्वारा भी बड़े व गंभीर आरोप लगाए जाते हैं कि जो थाना पुलिस है वह कस्बा इंचार्ज है और कहीं ना कहीं जो थाना अध्यक्ष है उनकी भी कहीं ना कहीं मिलीभगत है, और अगर मिलीभगत न होती इतनी बड़ी घटना अंजाम नहीं दिया जा सकता था। कहीं ना कहीं जो थाना नवाबगंज पुलिस है उस पर सवाल निशान खड़े होते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जब इस घटना को लगभग 3 से 4 घंटे हो जाते हैं जिला अस्पताल से रेफर करने के बाद, जब निजी अस्पताल में इलाज के लिए तीन से चार घंटे तक वहां पर इलाज होता है, लगभग रात्रि 12 बजे तक वहां पर कोई भी मौके पर उच्च अधिकारी नहीं पहुंचता जिले का, और जब ज्यादा मामला बढ़ता है तो वहां पर सीओ अमृतपुर को भेजा जाता है। मैं बताना चाहूंगा सीओ अमृतपुर का जहां पर घटना हुई वहां भी वो क्षेत्र नहीं लगता है, एवं जहां पे उस घायल युवक का इलाज चल रहा था वो भी क्षेत्र सीओ अमृतपुर के नहीं आता था, लेकिन सीओ अमृतपुर को वहां पर खानापूर्ति के लिए भेजा जाता है। सुंदरम, अगर बात की जाए तो योगी सरकार एक तरफ लगातार ये दावे करती है कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो आखिर अगर भाजपा नेताओं पर ही ऐसे गोली चल आएगी तो आम जनता कहां से सुरक्षित महसूस करेगी? जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इस पे जो वहां पर जब घटना हुई है उसके बाद जिला अस्पताल के बाद रेफर किया जाता है निजी नर्सिंग होम में जो भर्ती था, तो युवक वहां पर भाजपा के जिला अध्यक्ष समेत जो भाजपा के जिले के बड़े नेता वो भी पहुंचते हैं और दावा करते हैं कि इस मामले पर उन्हें प्रदेश नेतृत्व को भी सूचना दी है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि बीते दिनों में भाजपा नेताओं पर हमले हैं वो बड़े भी हैं, लेकिन इसमें कोई बड़ी कार्रवाई अमल में नहीं आती है और कार्रवाई को कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान पर ठंडे बस्ते में पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं फरुखाबाद में योगी जी का जो बुलडोजर है अपराधियों के अंदर भय प्रकट नहीं कर पा रहा है, और फरुखाबाद में कहीं पुलिस की लचर कार्रवाई के चलते योगी सरकार की जो छवि वो धूमिल होती हुई नजर आती है। आखिर क्या वजह है कि पुलिस ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की? क्या पुलिस को कोई डर है या किसी तरह के प्रेशर में है वहां की पुलिस? जी, बताना चाहूंगा कि इस मामले पर तो अभी कुछ कहने कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो थाना पुलिस है उसकी कहीं की भूमिका जो है वो संदिग्ध नजर आती है। अगर थाना पुलिस के द्वारा शुरुआत से ही कड़ी कार्रवाई अमल मिलाई जा सकती तो इतनी बड़ी घटना वहां पर नहीं हो सकती है। सुंदरम, इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखिएगा। तो आपको बता दें कि खबर हम आपको फरुखाबाद से बता रहे हैं, जहां भाजयुमो नेता पर फायरिंग की गई। वही इस दौरान नेता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वही इस पूरे मामले पर पुलिस की जो भूमिका है वो पूरी तरह से संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि दबंग और पूर्व प्रधान के साथ पुलिस की मिलीभगत है। यही वजह है कि इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगली खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से हीट वेव जारी है और गर्मी के ये थपेड़े लोगों के लिए अब आफत की हवा बनते जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ और वाराणसी सहित
कई जिलों में आज भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहेगा। इसमें अगले 2 से 3 दिन में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान की और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं अगर मौसम विभाग का पूर्वानुमान जाने तो राज्य में 31 मार्च तक 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी और चल सकती है। तो आपको बता दें कि अभी मार्च का महीना खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन लगातार लोगों पर अब गर्मी की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान लोगों के लिए जारी किया है, वो लोगों को और डरा रहे हैं कि 31 मार्च से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी और लू चल सकती है। वही इस दौरान अब लगातार जो लोग हैं वो अपना मुंह बांधे हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो इन गर्म हवाओं से बच सके। ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है कि इस बार पूरे भारत में भीषण गर्मी देखने को मिलेगी। वही अगर मार्च की बात करी जाए तो मार्च में ही मई जैसी गर्मी देखने को मिल रही है। मार्च की ही बात करें तो मार्च में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान पहुंच चुका है। यही वजह है कि लगातार लोग भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है और मार्च महीने में ही अगर तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले आगामी 2 महीने लोगों के लिए कितने और मुश्किल पैदा करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांश और फिरोजाबाद से और फरुखाबाद से हमारे संवाददाता सुंदरम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांश, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि इस वक्त लखनऊ में मौसम का मिजाज कैसा है? है कि मौसम जो है वो तापमान बढ़ा हुआ है और मई जून में जो गर्मी पड़ती है वो अभी मार्च अंत में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो एनडीए या जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार है, उनकी तरफ से अभी भी कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। ना ही कहीं प्याऊ की व्यवस्था की गई है और ना ही कहीं टीम सेड की, जिसमें जो सड़क पे चलने वाले लोग हैं जो जाकर वहां छाव में बैठ सके। वही अगर बात की जाए तो इस भारी गर्मी से खासतौर पे जो रेड़ी पटरी वाले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही परेशान दिख रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि अब तक एनडीए और तमाम जो बॉडी है उनकी तरफ से कोई ऐसे काम नहीं किए गए हैं जिससे ये जो सड़कों पे रहने वाले लोग हैं, चाहे बात की जाए रिक्शे वाले, चाहे बात की जाए रेड़ी पटरियों की, चाहे बात की जाए उस सड़क से यात्रा कर रहे यात्री या फिर ऐसे तमाम लोग, उनके लिए कोई अभी भी प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं नहीं की गई है। प्रशासन को अब धीरे धीरे, खासकर लखनऊ के लखनऊ विकास प्राधिकरण को जगना चाहिए और गर्मी के जो इंतजामात होते हैं वो गर्मी इस बार समय से पहले पड़ना शुरू हो गई है। मई जून का जो महीना होता है वैसा प्रतीत मार्च के अंदर में हो रहा है। तो प्रशासन को भी इस पे पूरा इंतजामात करना चाहिए और साथ ही साथ प्याऊ से लेकर अब जो भी व्यवस्थाएं की जाती है व्यवस्था को समय से पहले करना चाहिए। मुस्कान सुंदरम, लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप अभी मार्च अंत में ही देखने को मिल रहा है, तो प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? मार्च के महीने में पारा जो है 40 डिग्री के पार जा रहा है, गर्मी जो है वो अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मई जून जैसा माहौल हो गया। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि इस पे बिल्कुल वहाँ की कोई भी कार्रवाई नहीं अमल में आ रही है। बताना चाहूंगा कि फरुखाबाद के चाहे मुख्य बस अड्डा हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, लेकिन कहीं पर भी जो रेफ्रिजरेटर लगाए गए थे, ठंडे पानी की जो व्यवस्था की गई थी, प्याऊ लगाए गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ शोपीस बन के रह गए हैं। सिर्फ और सिर्फ दिखावा बन के रह गए हैं। जो मरीज जिला अस्पताल में आते हैं उनको पानी नहीं नसीब होता है और पानी जो नसीब होता है बिल्कुल गर्म पानी नसीब होता है। और जो रेफ्रिजरेटर है वो सिर्फ और सिर्फ शोपीस बन के रह गए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी बड़ी कार्रवाई ऐसी अमल में नहीं लाई जा रही है जो जिले के लोगों के लिए वहां पर सहूलियत। भाई आपको बताना चाहूंगा आज का तापमान अभी जो है लगभग सुबह 10:30 बजे है और 34 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है और आज का तापमान 41 डिग्री भी पहुंचने की उम्मीद है। विभांशु, अगर देखा जाए तो जो मौसम विभाग ने अपना पूर्वानुमान जारी किया है उसमें ये कहा गया है कि आज से करीब 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलेगी, तो आगे आने वाले समय में और मौसम कितना कहर बरपा सकता है लोगों पे? जी मुस्कान, अभी आप देख रही है कि मार्च का अंत है और टेम्परेचर लखनऊ का आज 41 डिग्री सेल्सियस है और वही बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि आने वाले समयों में 20 से 30 किलोमीटर की आंधी भरी जो हवाएं हैं वो देखने को मिलेंगी।
वहीं आपको बता दें कि अगर AQI लेवल की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी धीमे धीमे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं इसको देखते हुए प्रशासन को जो तमाम ऐसी चीजें होती है, जो तमाम ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिसके तहत लोगों की सहायता के लिए और उनके तमाम जो फैसिलिटीज दी जाती है LDA और तमाम ऐसे, अभी अगर बात करें तो एनजीओ जो होते हैं उनकी तरफ से प्याऊ लगाए जाते हैं, वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। और वहीं अगर बात करें तो LDA से जुड़े तमाम ऐसे विभाग हैं उनकी तरफ से भी अभी व्यवस्थाएं नहीं की जा रही। तो आने वाला समय जो होगा मई जून का, वो अगर बात की जाए तो अभी ये हालत है तो आने वाले समय में काफी मुश्किलों का सामना जनता को करना पड़ सकता है। यानी विभांशु, अगर ये कहा जाए कि अगर प्रशासन की तरफ से जल्द कोई इंतजाम नहीं किए गए तो लोगों को और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जी बेशक मुस्कान, ने प्रशासन को इस पे जगना चाहिए, खासकर लखनऊ में LDA को इस पे जगना चाहिए और चौराहों पे प्याऊ के साथ साथ टीन शेड का जो व्यवस्था किया जाता है उसे अब धीरे धीरे सड़कों पे उतारना चाहिए और प्रशासन को अलर्ट होके गर्मी से जुड़े जो तमाम फैसिलिटीज दी जाती है उसको समय से पहले करना चाहिए, क्योंकि गर्मी इस बार आप देख सकती है कि मई जून की गर्मी मार्च में देखने को मिल रही है, तो प्रशासन को भी अपने कामों में इस बार थोड़ी जल्दबाजी करनी चाहिए। सुंदरम, अगर बात की जाए गर्मी की तो लगातार जो गर्मी की मार है वो लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है, तो लोग अभी तक कौन कौन सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं? जी बताना चाहूंगा कि जो गर्मी की मार जनपद में लोगों को पड़ रही है उससे सबसे ज्यादा जो परेशान है बुजुर्ग हैं, बच्चों को सामना करना पड़ता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, धूप में वापस आते हैं तो उनको डिहाइड्रेशन समस्या हो सकती है, उनको जो बेहोशी की भी बुजुर्गों में समस्या देखी गई है, कुछ ऐसा है कि जो पानी की कमी की वजह से वहां पर बेहोश भी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो पानी नहीं मिल पाता है, जो ठंडा जल है वो नहीं मिल पाता, जो रेफ्रिजरेटर वो चीजें हैं, जो जिला प्रशासन तरफ बताना चाहूंगा फरुखाबाद में तीन चीजें हैं, यहाँ पे पानी की टंकी है वो भी बिल्कुल बदहाल हालत में, जो RO का पानी जो दवा किया जाता है जिला प्रशासन तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा वो भी कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हवाई बातें हैं। और लोगों को ये मार्च के महीने में ही जून की गर्मी का जो सामना करना पड़ रहा है इससे बहुत सारी समस्याएं भी हो रही हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन है उसका इस तरफ कोई भी अभी ध्यान नहीं गया है। धन्यवाद विभांशु और सुंदरम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार मार्च के महीने में ही मई और अप्रैल जैसी भीषण गर्मी पड़ रही है जिसको लेकर लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं, लोग अभी से ही बदहाल देखने को मिल रहे हैं, सड़कों पर लोग मुंह पर कपड़ा बांधे हुए नजर आ रहे हैं ताकि वो किसी तरह से जो धूल भरी आंधियां चलती है, जो धूल भरी हवाएं चलती है उससे बचे रहे। तो अगर बात करी जाए मौसम विभाग के पूर्वानुमान की तो उन्होंने ये पूर्वानुमान जारी किया है कि 31 मार्च से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधियां चलेंगी, धूल भरी हवाएं चलेंगी जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। वहीं अगर हम बात लखनऊ की जाए तो लखनऊ में अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही सड़कों पर प्याऊ लगाए गए हैं, ना ही टीन शेड्स की व्यवस्था की गई है। तो मार्च में ही अगर ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है तो आखिर प्रशासन कब तक अलर्ट होगा, प्रशासन लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं कब से लागू करेगा जिससे लोगों को सड़क पर चलते लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। तो आपको बताते चले कि मौसम विभाग के अनुसार लगातार यह पूर्वानुमान जारी किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में लोगों को और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यूपी में अब अगर धूप की बात की जाए तो वो आसमानी आफत बनकर लोगों पर टूट रही है, लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। करीब मार्च के महीने में ही 40 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है। वहीं अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पे आज का तापमान 41 डिग्री है। ये तापमान जो अप्रैल और मई के महीने में देखने को मिलता है वो तापमान इस बार हमें मार्च के अंत महीने में ही देखने को मिल रहा है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर बात प्रशासन की जाए तो प्रशासन ने अभी तक कोई भी गर्मी से बचाने के लिए लोगों को व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही सड़कों पर पानी मौजूद है। वहीं अगर बात फरुखाबाद की करें तो फरुखाबाद में लोगों को पीने के लिए पानी, साफ पानी तक नहीं लोगों को नसीब हो पा रहा है। वहीं टंकी की हालत भी बदहाल है, कुछ ऐसी ही हालत लखनऊ की भी है जहाँ पे चौराहों पर प्याऊ को इस वक्त मौजूद होना चाहिए था, प्याऊ भी इस वक्त नदारद नजर आ रहे हैं।
इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु और रायबरेली से अजय जुड़ चुके हैं। अजय, लगातार लोगों पर गर्मी की मार पड़ती हुई नजर आ रही है, तो प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्था करी हुई है? गर्मी को लेकर प्रशासन ने भी यहां पर कोई व्यवस्था नहीं की है, और जैसे कि आपको बता दें कि लगातार बढ़ती हुई गर्मी जो 10 बजे आता है सुबह, लगता है कि हाँ इतनी गर्मी पड़ रही है जैसा कि मई जून में पड़नी चाहिए गर्मी, आपकी मार्च में ही पड़ने लगी है। इससे जो है आए दिन जनता परेशान होती रहती है। सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है कि जो है यात्री जो भी हो, चौराहे पर जो भी लोग हैं, उनको फायदा हो सके। हिमांशु, अगर बात की जाए तो जितनी भीषण गर्मी अप्रैल और मई के महीने में पड़ती थी वो मार्च में ही देखने को मिल रही है, आखिर इसकी वजह क्या है कि लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ती जा रही है? हिमांशु, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हिमांशु, अगर बात की जाए तो जितनी भीषण गर्मी अप्रैल और मई के महीने में देखने को मिलती थी वो इस वक्त मार्च में देखने को मिल रही है, तो क्या है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे कि समय आने से पहले ही इस बार गर्मी आ गई है? और गर्म पछुआ हवाएं चल रही हैं, और प्रशासन ने भी कहा है और मौसम विभाग ने भी कहा है कि 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कुछ तकनीकी कारणों की वजह से मैं हिमांशु को रोकना चाहूंगी कि उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है, तो चलिए अब हम चलते हैं रायबरेली पे जहां पे हमारे संवाददाता अजय जुड़ चुके हैं। अजय, अगर बात करी जाए मार्च की, तो मार्च में ही भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, तो लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जो पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है समय से, और उसके बाद जो इतनी गर्मी, लोगों का मानना है कि जो यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है उसको लेकर गर्मियां बढ़ रही हैं, उसको लेकर इतना तापमान बढ़ा है, 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है आज का। अगर बात करी जाए रायबरेली की, तो रायबरेली में क्या चौराहे पर प्याऊ और टीन शेड्स की व्यवस्थाएं अभी तक आपको देखने को मिल रही है? ऐसा यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ है, हालांकि सरकार को सोचना चाहिए, यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी उनको सोचना चाहिए कि जो है हर चौराहे पर ये लगाना चाहिए, प्याऊ जल की व्यवस्था करानी चाहिए हर चौराहे पर, क्योंकि अभी देखने मिलता है जब थोड़ा 11-12 बजने का टाइम होता है तब जो हीट वेव चलता है उससे लोग परेशान हो जाते हैं, दोपहर में निकलते तक नहीं है घर से। आज अगर बात इससे गर्मी त्रस्त कर दी। अगर बात गर्मी की जाए तो गर्मी की सबसे ज्यादा मार, गर्मी का सबसे ज्यादा असर किस तबके पर देखने को मिल रहा है, किस वर्ग के लोगों पर गर्मी का ज्यादा मुश्किल पड़ती हुई नजर आ रही है? मध्यम वर्ग के लोग, खासकर ज्यादा आपको बता दें कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उस पे जो निकलते हैं मजदूरी के लिए आते हैं, जो खासकर जो किसान होते हैं जो मजदूरी करते हैं, लेबर का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो धूप में करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? बड़े लोग क्या है, वो एसी से निकलेंगे, एसी से जाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगी गर्मी। हिमांशु, अगर गर्मी की बात की जाए तो आखिर क्या वजह है कि समय के आने से पहले ही इस बार गर्मी की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है? देखिए, आज के परिवेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बन रहा है, लेकिन कहीं भी पेड़ और हवा का कोई स्रोत नहीं मिल रहा है ज्यादा। गाँव में तो फिर भी राहत मिल जाती है, लेकिन शहरों में पूरी तरह से प्रचंड गर्मी पड़ती है, ऐसे में पछुआ हवाओं के चलने से पूरी तरह से कह सकते हैं कि गर्म एकदम चेंज होता है। आपको बता दें कि हम यहाँ खड़े हुए फिर भी हमारी हालत खराब हो रही है कि पूरी तरह से पसीना पसीना हो जा रहे हैं हम लोग, और प्रचंड गर्मी है, इससे राहत पाने के लिए लोग जूस का और अलग अलग तरीके से गंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, गमछा रख रहे हैं, हिमांशु, अगर बात करी जाए तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो आजकल के समय और जो तापमानों में बदलाव हो रहा है ये पूरी तरह से ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। जी हिमांशु, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है?
चलिए हम अगला प्रश्न अपना अजय प्रताप से लेते हैं। तो अजय प्रताप, अगर बात करी जाए जो जैसी गर्मी अप्रैल और मार्च के मई में देखने को मिलती थी, वैसी गर्मी अब मार्च के अंत में देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है इन सब के पीछे की वजह ग्लोबल वार्मिंग है जो लगातार इतना प्रदूषण हो रहा है? क्या इसकी वजह से लगातार तापमान और मौसम में ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है? लोगों का मानना यही है कि जो युद्ध है इसके चलते हो रहा है। और आप बता दें कि गर्मी में लगातार जगह जगह पर गर्मी के जोश से खेलने लगे हैं लोग, उससे अपना काम चलाते हैं। और जो पानी का बोतल ले जाते हैं वो ज्यादा देर चलता नहीं है ठंडा, क्योंकि अगर जितना भी स्टील पानी लेके बोतल लेके जाओ वो आप मांग इसलिए कि आधे घंटे के ऊपर गर्म हो जाती है, उससे जो है लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, इससे लोग बीमार होते चले गए। हिमांशु, अगर बात करी जाए तो जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए, प्रशासन को पूरी व्यवस्थाएं सड़कों पर दुरुस्त रखनी चाहिए, तो अभी तक प्रशासन क्यों सोया हुआ है? बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। और एकदम यहाँ पे चौराहों पे जहाँ पे प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए थी वहाँ पे कोई किसी भी तरह की प्याऊ की व्यवस्था नहीं है, लोगों का हाल बेहाल हो रहा है, लेकिन प्रशासन एकदम सुस्त सोया हुआ है। धन्यवाद इस खबर पर हिमांशु और अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने सुना किस तरह से लोगों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है, जबकि कई जनपदों में ये भी हाल देखने को मिला कि प्रशासन द्वारा गर्मी से निजात दिलाने के लिए अभी तक कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई है, यानी कि ये साफ तौर पर कहा जाता है कि लगातार भीषण गर्मी से लोग परेशान है लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। वही अगर मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखें तो ये पता चलता है कि आगामी आने वाले कई महीने लोगों के लिए बहुत ही भयानक गर्मी भरे साबित होंगे, क्योंकि लोगों को इन दो महीनों में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।